बता दें, माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। वैष्णो देवी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और उसके बाद एक बार फिर से यात्रा का संचालन शुरू कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। भगदड़ हुई थी, बिल्कुल सुबह तड़के की एक खबर कि भगदड़ हुई और उसमें 12 लोगों की जान चली गई, 20 से 25 लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हुए। प्राथमिकता प्रशासन की ये रही कि जल्द से जल्द इन लोगों को, इन घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाए, इनको फर्स्ट एड मिल पाए। प्रशासन ने काफी तेजी दिखाई, लेकिन बावजूद इसके कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, भगदड़ में कैसे 12 लोगों की जान चली गई, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धाम वैष्णो देवी को माना जाता है और बड़ी संख्या में अमूमन दिनों पर भी वहां पर काफी भीड़ रहती है। ऐसे में व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रूप से संचालित हो रही थी, ये देखने वाली बात होगी। श्राइन बोर्ड क्योंकि 12 लोगों की जान चली गई, आप समझिए, और 20 से ज्यादा लोग जो जख्मी हुए हैं उनमें भी क्या किसी की हालत क्रिटिकल है, वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। जो भी जख्मी हुआ था, जो भी घायल हुआ था, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी तस्वीर में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है।